का एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट। ये बेसमेंट वाला है, ये इनका फर्स्ट फ्लोर का है और वो ग्राउंड फ्लोर का है। ये है सावन बैंकेट। नाम नहीं इस जगह का, सावन बैंकेट में आए हैं। वह देख लीजिए, स्पेस तो काफ़ी ह्यूज है। कितने गैदरिंग हो जाती है यहाँ पे? 110 की सिटिंग। और कितने आ जाते हैं वैसे? 200 के। हो गया फर्स्ट फ्लोर वहाँ का बैंकेट हॉल। तो देख लीजिए एंट्रेंस, और ये हो गया डीजे, ये हो गया आपका स्टेज। इधर, अच्छा इधर हो गया आपका वॉशरूम। अच्छा लॉक है। तो ये मेंस, ये वेमेन, ये आपका काइंड ऑफ फोटो सेशन एरिया हो गया। हाँ जी भाई, अच्छा अच्छा बेवरेजेस। ठीक, और यहाँ पे कितने गैदरिंग हो जाएगी? एग्जिट पॉइंट था और ये है एंट्री पॉइंट, सेकेंड एंट्री गेट। तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, वो भी अच्छा था वैसे, है ना? डीजे सामने। हाँ वही, लाइटिंग भी देख लीजिए। एंट्री यहाँ से, या ये अभी गेट लॉक्ड है, तो यहाँ पे रोड है, मेन रोड ही है। तो यहाँ से अब आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, तो ये देखिए ये हो गया एक और हॉल, ग्राउंड फ्लोर का हॉल है ये, देख लीजिए। अच्छा 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 स्पेशियस है ये सिटिंग एरिया। अच्छा ये ट्रॉली सर्विस के लिए। अच्छा यहाँ पे गर्ल्स सर्विस मैन या विमेन जो भी कह लो आप, वो भी हैं। अराउंड ये है 120 सिटिंग एरिया, और गैदरिंग कितनी हो सकती है? 300, और 300 गैदरिंग, सिटिंग एरिया 120। ये है डीजे, क्या है गुड्डू कुमार जी, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है और अच्छे से दिखाया है इन्होंने, काफ़ी बहुत अच्छे। स्क्रीन भी अच्छी है। बेसमेंट का हो गया ब्राइडल रूम, तो ये देख लीजिए एक बार आप। पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ब्राइडल रूम है, ग्राउंड फ्लोर का ब्राइडल रूम है ये। फ्लोर के हॉल का ब्राइडल रूम। यहाँ का वॉशरूम,